आबकारी विभाग ने जब्त की 4.5 लाख की शराब। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ के निर्देश अनुसार अवैध मदिरा निर्माण की सूचना पर आज व्रत पहरी प्रभारी सोनाली त्रिवेदी आबकारी उप निरीक्षक द्वारा व्रत पहरी में ग्राम ठेवला में दबिश देकर 5 प्रकरण पंजीबद्ध कर कुल 105 लीटर हाथपट्टी मदिरा और 3800 किलो गुड़लहान और मदिरा निर्माण का सामान जब्त किया गया एवं 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त सामान की कुल कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए आंकी गई। उक्त कार्रवाई में व्रत प्रभारी सोनाली त्रिवेदी आबकारी उप निरीक्षक तीर्थराज भारद्वाज आबकारी उप निरीक्षक एवं आरक्षक मुख्य आरक्षक नगर सैनिक का सराहनीय सहयोग रहा। आबकारी द्वारा अभियान चलाकर अवैध मदिरा के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्रवाइयों से अवैध मदिरा का व्यवसाय करने वालों में भय व्याप्त है। देखिए क्या कहा व्रत प्रभारी सोनाली त्रिवेदी ने। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशन में श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आज व्रत पहरी में ग्राम ठेला पर बंजारों के डेरे पर दबिश दी गई। इस दबिश के दौरान 5 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 4000 लीटर गुड़लहान और 100 लीटर के आसपास हाथभट्टी मदिरा जब्त की गई है। इसके अलावा मदिरा बनाने की सामग्री जब्त की गई है और इस सबकी अनुमानित कीमत लगभग 4.5 लाख रुपये आकी गई है।